बीजेपी के अगले पीएम के तौर पर नाम प्रस्तावित होने के बाद मोदी ने पहली बार केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। हरियाणा के रेवाड़ी में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा पार समस्या का समाधान दिल्ली से ही होगा। मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध से कहीं ज्यादा आतंकवादियों की गोली से हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। क्या दृश्य है मित्र, भाई बहनों, ये हरियाणा की धरती से उठी हुई परिवर्तन की पुकार है। ये हरियाणा की धरती ने दिल्ली की सल्तनत को आज ललकारा है। यूं तो मोदी ने जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान संभाली है, तभी से मोदी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे। लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार के ऐलान के बाद मोदी का ये ऐसा तीखा हमला था जिसमें उन्होंने देश की सीमा और सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की बखिया उधेड़ने में पूरी ताकत लगा दी। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। रेवाड़ी की वीरभूमि से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता को चुनौती देकर परिवर्तन के संकल्प का आगाज कर दिया है। मोदी ने इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि हमारे वीर जवान आन बान और शान से सीमा की रक्षा करते हुए दुश्मनों की गोलियों से शहीद होते हैं, लेकिन हमारे कुछ राजनेता उस शहादत पर भी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आते। पहली बार इस देश में सच्चर कमेटी के माध्यम से सेना के अंदर कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इसकी गिनती कराने का हुक्म किया। पाप किया है इन लोगों ने, पाप किया है। पूर्व सैनिकों के नाम पर बुलाई गई इस विशाल रैली में दावा किया गया है कि करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे और मोदी की हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दूर दराज से लोग यहां मोदी का मनोबल बढ़ाने आए थे और मोदी ने भी भारी जन समूह को देखते हुए ऐलान कर दिया कि अब जल्द ही देश में परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। रैली में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह भी मौजूद थे। क्या कमजोर है, क्या कमजोर है? अगर हम कमजोर नहीं है तो हमको जो लोग कमजोर नीतियां बनाते हैं उनको बदलने की जरूरत है। मोदी हुंकार भरते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस समेत जेडीयू और वामपंथी दलों ने मोदी को गंभीरता से नहीं लेने की ठानी है। मोदी जी बहुत व्याकुल लग रहे हैं, अब वो एक अपनी ख्याली दुनिया में हैं, वो रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। जो सबसे ज्यादा एकता रखने के लिए एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के परे जाने का मतलब है देश का सर्वनाश। आरएसएस का चुना हुआ कैंडिडेट है, हमारे देश में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता फैलाने की ही नीति अपनाएंगे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस चॉइस किया, बीजेपी चॉइस किया, जनता ने चॉइस नहीं किया, उनको बारे में हमारा बोलने का कोई कारण नहीं है। जाहिर है बीजेपी ने मोदी के नाम पर अपना सारा दांव लगा दिया है। मोदी के नाम के ऐलान के बाद अब बीजेपी के पास कोई और पत्ता नहीं रहा। समय के लिए रेवाड़ी से उमाकांत त्रिपाठी।